कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इस समय यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इस पूरी दुनिया में पंछियों के 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पंछी है जो अपने एटीट्यूड और मेंटेलिटी के लिए जाना जाता है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पंछियों का किंग कहा जाता है, जिसे हम लोग ईगल के नाम से जानते हैं। एक ईगल 70 साल की जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है तो वो अपने एटीट्यूड और मेंटेलिटी के दम पर हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक ईगल के मेंटेलिटी और उसके जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने और कुछ बड़ा करने से डर लगता है। लेकिन एक ईगल के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा ईगल अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। बारिश के वक्त जब सारे पंछी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही ईगल उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। एक ईगल की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है
कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उसके पास केवल तीन रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने लग जाए। और ईगल हमेशा तीसरे रास्ते को अपनाता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजे को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे को उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो तीन रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो भी लोग होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर एक ईगल की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करके सफलता के मुकाम तक पहुंचना है या फिर परेशानियों के डर से अपने लाइफ को बर्बाद करना है। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐ मुश्किलें, बाज से बाजी मत लगाओ, हार जाओगे, क्योंकि हम वो बाज हैं जिसे देख ले उसे अपने नजरों से गिरा देते हैं।